मैकेनिक के साथ लूट की घटना में शामिल तीन अभियुक्तों को गुलरेहा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से लूट की बाइक के साथ डीएल गाड़ी का मूल कागजात और 450 रुपया नगद भी बरामद किया है। रविवार को गुलरेहा थाने पर प्रेस वार्ता के दौरान घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि चिलुआताल थाना क्षेत्र के अमोवा निवासी हरिकेश पुत्र रामस्वरूप वर्लपूल कंपनी में एसी मैकेनिक का काम करते हैं। 10 फरवरी की रात 8:30 बजे हरिकेश गुलरेहा थाना क्षेत्र के बंजरहा तिराहे से अंडा खाकर अपनी सुपर स्प्लेंडर बाइक से घर जा रहे थे कि करमहा स्थित पूजा फार्मेसी कॉलेज के पास तीन अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर बाइक व नकदी लूट लिए थे। गुलरेहा पुलिस सर्विलांस की मदद से शनिवार की देर रात सरैया पेट्रोल पंप से बाइक पर सवार तीन लूट में शामिल अभियुक्त विशाल उर्फ भीम प्रताप भास्कर पुत्र सुनील कुमार निवासी मिर्जापुर थाना चिलुआताल, दीपक उर्फ धर्मेंद्र पुत्र छोटू निवासी मुंडीला उर्फ मुंडेरा थाना चिलुआताल, विंद्रेश कुमार निषाद पुत्र बाबूलाल मिर्जापुर थाना चिलुआताल को गिरफ्तार कर ली। लूट की बाइक के साथ डीएल गाड़ी का मूल कागजात एवं 450 नगद रुपया भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलरेहा थाना प्रभारी निरीक्षक रवि राय, निरीक्षक राम भवन यादव, चौकी प्रभारी मेडिकल कॉलेज उप निरीक्षक गौरव राय कन्नौजिया, हेड कांस्टेबल कामेश्वर दुबे और शिवानंद उपाध्याय शामिल रहे। खुलासे के दौरान सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने कहा, दिनांक 10 फरवरी को रात में 8:30 बजे एक हरिकेश प्रजापति एक पूजा फार्मेसी कॉलेज उसके पास से निकल रहे थे तो उनकी मोटरसाइकिल कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मार्केट छीन ली गई। उसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और इंस्पेक्टर गुलरिया रवि राय की टीम ने प्रयास करके इसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, विशाल, दीपक और बिंद्रेश। एक अभियुक्त दिनेश साहनी फरार हो गया है, उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें इनके पास से जो मोटरसाइकिल लूटी गई थी वो बरामद हुई है, जो पर्स थी, पैन कार्ड और बाकी जितने कागज थे वो सारी बरामदगी हुई है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। ये इनकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई है और किस लिए इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया? इन्होंने पैसे के ज़रूरत, पैसे की लालच में, चूँकि इनके शौक शराब और खाने पीने के थे और कोई आय का साधन नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने पैसे की ज़रूरत की वजह से किया था और सरैया पेट्रोल पंप के पास इनकी गिरफ्तारी हुई है 1:40 बजे। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? नहीं, आपराधिक इतिहास बिल्कुल नहीं है, अभी नए लड़के हैं, प्रथम बार इन्होंने किया है और मैनुअल सर्विलेंस से इनकी गिरफ्तारी किया जाएगा। हाँ, 15,000 सभी टीम को इनाम दिया जाएगा।